दोनों ही रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि उत्तेजना में अपना मुस्लिम क्षेत्र में क्यों निकल रहे हैं, क्यों गलत हरकतें कर रहे हैं आप जाइए शांतिपूर्ण तरीके से इसको निकालिए तो कोई इस पर झगड़ा नहीं होगा, लेकिन आप उत्तेजना दिखाएंगे तो झगड़ा 100% होगा। इसमें प्रशासन कुछ नहीं कर पाया, प्रशासन कहाँ कहाँ बैठा रहेगा। कहीं पे भी कोई भी बात होगी, जब तक आप किसी की चीज़ को परेशान नहीं करेंगे तो किसी प्रकार का कोई भी कहीं पे भी कुछ भी कोई एक्शन नहीं। कल एक ऐतिहासिक घटना घटी, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, कल इनॉग्रेशन हो गया राम मंदिर का, उसी के साथ ही कई जगह रैलियाँ निकली, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर रैलियाँ निकली लेकिन कुछ क्लैशेस भी हो गए मुस्लिम समुदाय के साथ। मुंबई में जिस तरह का वाकया सामने आया कि एक रैली जो है वो एक मुस्लिम इलाके में गए और उन्होंने नारे लगाए, फिर उसका रिएक्शन हुआ, फिर और दूसरी जगह पे इसी तरह के कई वाकया सामने आए, कई जगह ऐसे साउंड वगैरह लगाए गए जिसमें गाली गलौज जो है वो बाकायदा उसको बकी गई। तो ये चीज़ों को देख के क्या लगता है कि क्या माहौल बन गया, क्या कल जिस तरह से पुलिस ने कुछ जगह पे एक्शन लिया और उसके बाद माहौल को संभाला है, ख़ासतौर पर मुंबई की अगर हम बात करें, तो कुछ चीज़ें ऐसी छोटी जो घटनाएं बड़ी भी बन सकती हैं और इसका लोगों पे क्या असर पड़ सकता है? हमारा जो है जो भाईचारा है, कुछ लोग उसमें ऐसे हो जाते हैं या तो घुल मिल जाते हैं, जो उसमें हमारा भाईचारा ख़त्म करने के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारा इस तरीके की बातें करके, मतलब जिससे माहौल ख़राब हो। तो हमारे जितने भी मुस्लिम समाज के लोग थे, सब ने जो है बहुत संयम से, बहुत समझदारी से काम लिया और जिससे हमारे भाईचारे को कोई ख़राबी नहीं आई। और इसी को हमें लोगों का संदेश, हमारे जो उलमाएँ हैं, जो हमारे दिन जो बुज़ुर्ग दिन हैं, उन्होंने सबको हमें, मतलब सब जगह मैसेज ये दिया था कि भाई आप लोग जो है अपना एहतियात बरतें, आप घर से बाहर ना जाएं और जो है अपने को, मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो प्रशासन और शासन को कोई दिक्कत आए। इसी के लिए जो है हमने अपने भाईचारे को नहीं ख़त्म करना है, क्योंकि हमें हिंदुस्तान को, जैसे हम गुलदस्ते में 70 के फूल होते हैं, उस तरीके से हमें रहना है। और कोई भी किस तरीके के जैसे इस तरह के माहौल बनाते हैं तो आज नहीं वो कल परेशानी में आएंगे, ये हमें उम्मीद है ऊपर वाले से। जिस तरह की घटना कल हुई है कई इलाकों में, आपको क्या लगता है कि किस वजह से हुई और क्या इसका असर हो सकता है? देखिए, ये कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो ये घटना करते हैं, बाकी काफ़ी लोग समझदार हैं और इतना बड़ा हमारा देश है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो गया और उसके बाद कई जगह रैलियाँ वगैरह निकली, तो कुछ जगह से ऐसी खबरें आई कि रैलियों में हंगामा हुआ, हिंदू संगठन के लोगों ने कई मुस्लिम क्षेत्र में गए, फिर उन्होंने रिएक्शन किया और फिर गाड़ियां तोड़ी गई, तो ये इस तरह की घटनाओं को देख के आपको क्या लगता है? भाई, इस तरह की घटनाओं को ये लगता है, कोई भी कार्य करे, किसी भी कार्य को करने से पहले तो दोनों संप्रदायों को बैठ के एक मीटिंग होनी चाहिए। मीटिंग होने के बाद किसी उत्तेजक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर, मतलब किसी की बिरादरी को, किसी समाज को लेकर इस तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब हिंदू मुस्लिम दोनों ही रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि उत्तेजना में अपना मुस्लिम क्षेत्र में क्यों निकल रहे हैं, क्यों गलत हरकतें कर रहे हैं आप जाइए शांतिपूर्ण तरीके से इसको निकालिए तो कोई इस पर झगड़ा नहीं होगा, लेकिन आप उत्तेजना दिखाएंगे तो झगड़ा 100% होगा। इसमें प्रशासन कुछ नहीं कर पाया, प्रशासन कहाँ कहाँ बैठा रहेगा। लेकिन मुंबई पुलिस ने बहुत समझदारी से घटना को जो है वो उसी तौर पर लिया और इसको बहुत बड़ा नहीं होने दिया, कुछ जगहों पे हंगामे की सूचना आई तो उन्होंने ये चीज़ समाज में र्यूमर्स को जो है ख़त्म करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश की। तो जिस तरह से एक मुंबई पुलिस ने अपना एक जेस्चर पेश किया है, ऐसे ही और दूसरे स्टेट्स में भी होना चाहिए, क्योंकि अब तो कोई भी घटना हो जाती है सोशल मीडिया पे एक रिएक्शंस की बाढ़ आ जाती है कि इनको गोली मार देना चाहिए था और बुलडोज़र चला दो, और वो दूसरे से वो चीज़ें आ जाती हैं, रिएक्शन आता है कि जो है इनको अगर ये रैली निकालने हैं तो उनके ऊपर पथराव कर दो। तो ये चीज़ें जो हैं वो किस तरह से एक माहौल बनता है और इसको रोकने की, जैसे मुंबई पुलिस ने एक जेस्चर दिखाया, उस तरह से और दूसरे स्टेट्स की पुलिस क्यों नहीं कर पाती? भाई, ऐसा है कि मुंबई पुलिस के लिए क्वालिफाइड बंदे हैं, वो लोग एक्सपर्ट है इस लाइन के अंदर, वहाँ बड़ा बड़ा क्षेत्र है वो। यहाँ क्षेत्र में क्या है, प्रशासन भी सपोर्ट नहीं करता पूरी तरीके से, कुछ प्रशासन के बंदे ही मिले हुए हैं जो इस घटना को गठित करवाते हैं। अगर कंट्रोल करने के आपके जान लगे, माना कोई आदमी कंप्लेंट करने जाता है और उसकी कंप्लेंट पर ध्यान देगा, उस पर सख्त कार्रवाई एकदम हो जाए तो ये घटनाएँ नहीं होंगी, लेकिन वो लोग इस चीज़ को मजाक लेके चलते हैं। प्रशासन के कुछ शख्स लोग, ये नहीं कि सारा प्रशासन ही गंदा है, कुछ प्रशासन के लोग इसको मजाक लेके चलते हैं, जिसमें घटना घटने के बाद वो फिर आते हैंगे और फिर धोर पकड़ा करते हैं दोनों बिरादरियों में से, वो झगड़े का सबसे बड़ा कारण है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, जैसे शासन भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है कि कहीं किसी एक का पक्ष अगर लिया तो दूसरा पक्ष दबाव महसूस करता है और फिर इस झगड़े की जड़ बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, शासन का तो देखिए, शासन को तो इसको ये करना चाहिए कि दोनों पक्षों के साथ तरीके से व्यवहार करना चाहिए, ये नहीं कि एक पक्ष का साथ दें एक पक्ष का ना दें, जो गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो गलत नहीं है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कल प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब मंदिर आम जनता के लिए आज से खुल गया,
तो जिस तरह की रैलियां और जो एक माहौल बनता है, निकाला जाता है, वो कितना सही है निकालना रैलियां अलग अलग क्षेत्रों में, और अगर निकाली जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जा रही हैं, तो उसका क्या किस तरह का माहौल होना चाहिए? देखिए, रैलियां अब जो निकलनी थी वो निकल चुकी हैं। अननेसेसरी रैली को बढ़ावा ना दिया जाए, इससे समाज के अंदर एक गलत संदेश जाएगा कि बार बार उस घटना को, मतलब इसी चीज़ को दोहराने की कोशिश करते हो। ठीक है, सरकार आपकी ये सारी बातें, सुविधाएं सारी आपको मिल लेंगी, लेकिन ये नहीं किसी दूसरे की भावनाओं से खिलवाड़ करें। अब रैलियों पे कंट्रोल होना चाहिए, प्रशासन को सख्त रवैया अपनाना चाहिए, और एक तो इनके रैलियां निकलने से भीड़ भड़का जाम लगता है चारों तरफ, तो ये नहीं होना चाहिए। प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, अब रैलियों की प्रथा बंद होनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष वगैरह तो उनमें भी हर तरीके के लोग हैं, कुछ गलत लोग भी हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं। जो अच्छे लोग हैं वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी कार्रवाई हो जिससे दोनों पक्षों में झगड़े का माहौल बने, तो इसलिए प्रशासन को यह करना चाहिए कि दोनों पर कार्रवाई एक से करे, और बढ़िया, मगर कार्रवाई जो गलत है वो सबके लिए गलत है, समाज के लिए गलत है, वो देश के लिए भी गलत है। वो लोग आज आप छोटी भावना से कर रहे हैं, कल को बड़े होकर ये आगे देश के लिए भी खतरा बनेंगे, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि हमारे बड़े भाइयों ने अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम करा है, उसी के आधार पर छोटे भाइयों ने उसका पूरा सहयोग भी कर प्रदान कर दिया, सारे कार्य भी कर दिए, और एक तरीके शांतिपूर्वक उसका सहयोग पूरा करा छोटे भाइयों ने। क्योंकि आज के डेट में हमारा हिंदुस्तान एक व्यापार की तरफ को दौड़ रहा है, वो चाहता है कि हमारा हिंदुस्तान हमारा आगे चल कर पहले नंबर पर आ जाए, ओवल नंबर पर आ जाए, पर क्या होता, बड़े भाइयों के साथ में कुछ दंगाइये लोग साथ में आ जाते हैं, जो दूसरे लोगों को, छोटे भाइयों को परेशान करने का काम करते हैं। कहीं पे भी कोई भी बात होगी, जब तक आप किसी की चीज़ को परेशान नहीं करेंगे तो किसी प्रकार का कोई भी कहीं पे भी कुछ भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये राजनीतिक स्टंट भी होता है, जैसे कि अब आने वाले समय में 2024 में चुनाव है, तो उन्होंने कहीं कहीं पर इस तरह का माहौल बनाने का भी कार्य हुआ है, और हमारी अपेक्षा यही है हमारे भारत के वासियों से और बड़े भाइयों से भी, कहीं पे भी अपने साथ में दंगाइयों को लेकर ना जाए। अगर दंगाई आपके साथ में जा रहा है तो उसको समझाने का कार्य आप खुद अपना आप करें। क्या लगता है इस तरह की घटनाओं से क्या माहौल आगे बनता दिखाई देता है? देखिए, इस तरह का माहौल जो है कहीं के लिए भी बिल्कुल भी सही नहीं है। इस तरह से रैली निकलना, जिस तरह से आपने बताया है कि गाली गलौज भी हुई, तो एक हम लोगों ने जैसे मैसेज दिया, जैसे अभी हमारे बड़े भाई ने बताया, हमारे उलेमा इकराम ने सब चीज़ों को, मतलब हमने फॉलो किया, सब चीज़ें समझी, तो हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण इस तरह से रहें, और जो लोग इस तरह का कार्य करते हैं, जो बाधाएं डालते हैं या गलत एब्यूज़ यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ इस तरह की मतलब क्रिएट करते हैं, दंगाई होते हैं, मैं चाहता हूँ कि उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस तरह की घटनाएँ दोबारा ना हो, जो माहौल ख़राब हो।